नमस्कार, वैष्णवी इजी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम परत वाली मठरी बनाएंगे, इसे नमक पारे भी बोलते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है, चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम 1.5 कप मैदा ले लेंगे। लगभग 200 ग्राम मैदा है ये। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं, जैसे पसंद हो वैसे बना लें आप। 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, हथेली से क्रश करके डालेंगे। बहुत 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें। बारीक काट के इसमें करी पत्ता डाल देंगे, आप धनिया पत्ता या पुदीना का पत्ता या मेथी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो फ्लेवर आपको पसंद हो वही डाल लें, लेकिन हमें करी पत्ता ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए डाल लें। बढ़िया से मिला लेंगे इसे। इस बड़े चम्मच से 2 चम्मच भर भर के इसमें ऑयल डाल देंगे। सरसों का तेल ना डालें, या आप रिफाइंड ऑयल डालडा ऐसे चीज डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। जैसे 250 ग्राम आटा ले रहे हैं, मैदा या कोई भी आटा लें, उसमें 50 से 60 ml रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इसको ऐसे मुट्ठी में बांधें, मुट्ठी बन जाए तब समझ लो कि मोयन सही लगा है। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, अच्छी तरह से मसल कर एकदम चिकना आटा लगाकर तैयार कर लिए। इसमें आप मोयन लगाते समय ज़्यादा ऑयल ना डालें, नहीं तो डीप फ्राई करेंगे टूट जाएगा। जैसे आप 250 ग्राम आटा ले रहे हैं, 60 ml ऑयल डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालें। इसको सेट होने के लिए 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 20 मिनट हो चुका, आटा भी हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा मसल लेंगे इसे, इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लोई को गोल करके रख लेंगे, इसे ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और एक लोई निकाल लेंगे, एक बोर्ड लेंगे, इसी पे हम इसको लोई बढ़ाकर बेल लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे, पतला बेलेंगे, रोटी से थोड़ा पतला ही बनाएंगे। इतना बड़ा इसे बेल कर तैयार कर लिए और इतना थिकनेस है, आप देख पा रहे होंगे। पतला बेलेंगे ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। इसके ऊपर से हम अच्छी तरह से एक लेयर कुकिंग ऑयल के लगा लेंगे, अच्छी तरह से सब जगह लगना चाहिए। ये थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिए हैं छन्नी में, इसको इस तरह से ऐसे करेंगे ना तो ये गिरता जाएगा। हर जगह लगा ले, थोड़ा सा इसको छिड़क लें इसी तरीके से, फिर इसको हाथ से फैला दें। इसको इधर से उठाकर आधी जगह पर ले आएंगे, आधे रोटी तक, और फिर इधर से उठाकर इसको भी यहाँ तक पहुँचा देंगे। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे ना तो चिपक जाएगा। दोबारा से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, फिर से मैदा छिड़क देंगे, फैला देंगे, इधर से भी मोड़ लेंगे इसी तरीके से, ताकि अच्छी तरह से लेयर इसकी अलग हो जाए जब हम डीप फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर दें इस तरीके से, अच्छी तरह से चिपका कर दोबारा से बेल लेंगे। इस बार पहले जितना पतला नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा छोड़ेंगे। फिर से उसी तरह से लगा लेंगे ऑयल, सूखा मैदा छिड़क देंगे, हाथ से फैला लेंगे, फिर से फोल्ड कर देंगे। अब की बार ऐसे फोल्ड करेंगे और दबा लेंगे इस तरीके से, लंबा कर लें, ज़्यादा पतला ना करें। और इस साइड से भी थोड़ा सा बेल लें। ऐसे बेलने के बाद पतला पतला इसको काट लें, ज़्यादा मोटा ना काटें, इतना ही काटें ऐसे।
ऐसे करके हम अभी अलग कर लेंगे इसको। इस तरह से सारे पीस अलग कर लेंगे, काट लें, उसके बाद ये पीस जो हैं अलग कर लें। इस तरीके से सेम तरीके से जितना लेयर वाली मटरी हमें बनानी है, नमक पारे जो भी बोलें बना ले रहे हैं। अभी जब इसे डीप फ्राई करेंगे ना, तो ये खुल जाएगी, जितने परतें हैं सब खुल जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी बनता है ये। सेम तरीके से हम सारा बेल कर और काट कर तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। तेल मीडियम गरम रखें और गैस का फ्लेम भी मीडियम करके रखें, हाई फ्लेम पे ना तलें, नहीं तो इसकी लेयर जो है अंदर तक पकेंगी नहीं। धीरे धीरे ऐसे पकने दें, तैर के सारा ऊपर आ जाएंगे, तब इसे पलट देंगे। अभी अपने आप सारा तैर के ऊपर आ जाएंगे, सब तैर के ऊपर आ गए, हल्का सा पलट देंगे, लाइट ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे। ऐसे उलट पलट कर, गैस का फ्लेम तेज ना करें, ऐसे ही रहने दें, लो टू मीडियम। धीरे धीरे पकते पकते इसमें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है और सारे परत भी अलग हो चुके हैं। ये देखिए, हम निकाल के एक दिखा रहे हैं, अलग हो गए हैं परत। इसे निकाल लेंगे, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसमें करी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पकने के बाद। कुछ सेकंड कढ़ाई में रोक देंगे, एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। सेम तरीके से सारी मटरी तैयार कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऐसे लो ही रहने दें। जब थोड़ा पक जाए ना, तो हल्का सा बढ़ा दें। इसे भी सेम तरीके से डीप फ्राई करेंगे, इसे भी निकाल लेंगे, इसमें भी कलर अच्छा आ चुका है। सेम तरीके से मठरियाँ सारी तैयार कर लेंगे, एकदम टेस्टी चटपटी और कुरकुरी लच्छेदार मठरी बनाकर तैयार कर लिए। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, या छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। देखिए कैसे इसका परत एकदम अलग हुआ है, सारे ऐसे बनी हैं, पर सारे के अलग हैं, बिल्कुल एक कुरकुरी बनती है एकदम, आवाज आती है तोड़ने पे। ये देखें, एकदम चूरा सा हो जा रहा है, बिल्कुल खस्ता बनी है। मठरी को बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जब बेलते हैं पहली बार, जब सीट बड़ी बेलते हैं तो पतली बेलें, उसके बाद उतना पतली ना करें। और लेयर अच्छी तरह खुलने के लिए ऑयल अप्लाई करें और मैदा छिड़क दें, और इसे जब डीप फ्राई करते हैं गैस का फ्लेम लो करके डालें। जब हल्का सा सिक जाए, इसकी लेयर जब खुल जाए हल्का सा, तो थोड़ा सा गैस बढ़ा दें, लेकिन लो टू मीडियम पर ही गैस रखें। बहुत अच्छी मटरी बनेगी। इस मटरी को 1.5-2 महीने तक रख कर आप खा सकते हैं, इस लच्छेदार मटरी खराब नहीं होती है। आप बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। लच्छेदार मटरी आपकी कैसे बनी, वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ, भूलें ना, जरूर कर लें। और बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो हमारे लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।